आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दो कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए लखनऊ पहुंचे, जहां उपराष्ट्रपति का मौसी एयरपोर्ट पर राज्यपाल राम नाईक के साथ सीएम योगी ने स्वागत किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति राजभवन पहुंचे। बता दें कि उपराष्ट्रपति गोमती नगर में यूपी इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। बसपा का राष्ट्रीय अधिवेशन राजधानी लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से बसपा के कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं अधिवेशन से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा को केंद्र में 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन वो पूरी तरह से विफल साबित हुई है। वहीं आरोप लगाते हुए मायावती ने बीजेपी सरकार को बड़े बड़े धन्ना सेठों की सरकार बताया। सरकार ने अपने पूंजीवादी वह तानाशाही निर्णयों के माध्यम से अपने पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल में यहाँ के गरीब व मेहनत कर जनता को खूब छला भी है, धोखा भी दिया है उन्हें, जबकि वास्तव में ये सरकार केवल यहाँ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों के आगे ही नतमस्तक व दंड बत रही है, जिससे देश की बैंकिंग वह अर्थव्यवस्था भी अब पटरी से उतरने के कगार पर खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से देश की जनता काफी ज्यादा चिंतित है कि बैंकों में उसका पैसा सुरक्षित भी है कि नहीं। कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु पहुंचकर भगवान गौतम बुद्ध की क्रीड़ा स्थली पर चल रहे कार्यों का जायजा लिया, जहां कैबिनेट मंत्री काम कर रही संस्थाओं के काम से असंतुष्ट दिखी। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने कपिलवस्तु में होटल के लिए 15 एकड़ जमीन अधिग्रहित होने और सैलानियों के लिए हेलीपैड बनाने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां खुदाई के दौरान मिले अवशेषों को वापस लाने के लिए वे पीएम और सीएम से बात करेंगी। जब यहां इतना खूबसूरत म्यूजियम बन गया है तो ये निर्णय तो ये एसआई को कल्चर विभाग के माध्यम से लेना पड़ेगा, और हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग जाकर महेश शर्मा जी से हम लोग संपर्क करेंगे, एसआई से अधिकारियों से बात करेंगे, हम अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो प्रधानमंत्री जी से ये बात का निवेदन करें। और वही क्यों, जो आर्टिफैक्ट्स यहाँ के कलकत्ता में या दिल्ली में रखे हैं वो सब कपिल वस्तु वापस आने चाहिए, जो खुदाई में मिली हैं चीजें जब वो यहाँ जाएंगी म्यूजियम में तो फिर यहाँ पर सैलानियों की कमी नहीं होगी या श्रद्धालुओं की कमी नहीं होगी। भाजपा की केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर विधि एवं न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने उन्नाव में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन के कार्यक्रम में शिरकत की। यहां उन्होंने कैराना में भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के निर्देशन में देश में विकास को गति मिली है। कैराना का भ्रमण करने के बाद हमने ये पाया वहाँ पर जिस ढंग से गत सरकारों ने स्थानीय निवासियों का शोषण किया था, उनका सड़क पर निकलना मुश्किल था, कैराना के लोग कैराना छोड़ करके दिल्ली या दूसरे शहरों में जाकर बसने का काम कर रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग स्वतंत्र रूप से अपना कारोबार करने के साथ साथ इज्जत के साथ अपने घरों में रह रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। फूलपुर की जो चर्चा आपने की, फूलपुर और गोरखपुर में हम केवल अति उत्साह के कारण हम चुनाव हारे थे और केवल कम मतदान हुआ था, 25% और 21%। आप ये मान कर चलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब किसी भी मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे, पूरी सजगता के साथ हम सब लोग लगे हुए हैं और दोनों स्थानों पर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मथुरा में शेरगढ़ के गांव पीगरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत से जा रही पानी की पाइपलाइन को लेकर दो पक्षों में फायरिंग हो गई। वहीं पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाते हुए बताया कि वो खेत से जा रही पानी की क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी पक्ष ने मौके पर आकर विवाद करते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जाँच में जुटी है। मथुरा में गोवर्धन के तहत आने वाले मल्लू फोडर और सोक देहात के गांव तसियापाली में कमिश्नर ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कसिया गांव में राशन की शिकायत पर ग्रामीण आपस में ही भिड़ गए, जिनको अधिकारियों ने शांत कराया। चौपाल के दौरान कमिश्नर ने गांव वालों की शिकायत पर कई अधिकारियों का वेतन रोक दिया, तो वही बीडीओ ने करीब 1 साल तक दफ्तर न आने पर उनका भी वेतन रोकने के आदेश दिए।
मेरठ के खरखौदा में बाइक से बंधे एक युवक का शव नाले से मिलने पर हड़कंप मच गया। वही मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाते हुए शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे कुछ लोगों ने शव की शिनाख्त की है। वहीं पूरे मामले पर मृतक के परिजनों ने बताया कि युवक अपने भाई से मिलकर वापस जा रहा था, लेकिन रास्ते में लापता हो गया, जिसके बाद उसका शव बरामद हुआ है। मेरठ की किनौनी शुगर मिल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं इस आग की चपेट में आकर दो लोग झुलस गए, जबकि एक मजदूर की मौत हो गई। घटना को लेकर लोगों की माने तो मिल में एक के बाद एक तीन धमाके हुए, जिसके बाद आग फैलती चली गई। हालांकि घटना के बाद कई जगह फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर खाक होने की बात कही जा रही है। आगरा में पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 5 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से चोरी की 10 बाइक बरामद की गई हैं। वहीं इस खुलासे को लेकर पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाश अब तक कई दर्जन बाइक चोरी कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने 5 बदमाशों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। आगरा में मौत का एक लाइव वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार आने पर गेट खोलने गए चौकीदार पर कार मालिक ने गाड़ी छुड़ा दी, जिससे चौकीदार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना तुलसी ताजगंज स्थित एक अपार्टमेंट की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मौके पर आई पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बैठा कर 17 लाख रुपए में मामला रफा दफा कर दिया। बांदा के गिरवा में ओवरलोड की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया। दरअसल गिरवा क्षेत्र में वर्तमान में 3 बड़ी मोरंग खदान संचालित हैं, जहां खनन के चलते रात दिन कई ट्रक मानक के खिलाफ ओवरलोड होकर यहां निकलते हैं, जो कई हादसों का कारण बन जाते हैं। जबकि लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से भी की है, लेकिन कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। सीएम के जनसुनवाई पोर्टल पर भूमाफिया की शिकायत करना बलरामपुर में एक युवक को महंगा पड़ गया, जहां नमाज पढ़ने जाते वक्त दबंगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि निवादा गांव में प्रधान पति और उसके भाइयों ने ग्राम समाज की 53 बीघे जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसकी पीड़ित ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की थी, जिसके बाद डीएम द्वारा जांच होने पर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 3 अन्य की तलाश शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।